दोस्तों Realme इंडिया में अपना एक नया स्मार्ट टीवी लॉन्च कर चुका है और आज के इस वीडियो में आपके साथ इसी स्मार्ट टीवी के बारे में बात करने वाला हूं। मैं आपको इस टीवी की स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, अपने कुछ ओपिनियन शेयर करूंगा और प्राइस की डिटेल भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप कोई नया बजट फ्रेंडली स्मार्ट टीवी लेने का सोच रहे हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डगर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको वीडियो के शुरू में बता दूं कि अगर आप ये वीडियो सिर्फ स्मार्ट टीवी का प्राइस देखने के लिए देख रहे हो तो उसके लिए हमें वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको जो प्राइस डिटेल है वो देखने को मिल जाएगी। क्योंकि अभी मैं जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक इसका जो प्राइस है वो रियलमी ने नहीं बताया, पर जो स्पेसिफिकेशंस है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपनी बात शुरू करते हैं डिस्प्ले के साथ। तो मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों हमें इसमें 32 इंच साइज़ का जो डिस्प्ले है वो देखने को मिल जाएगा और इसका जो रेजोल्यूशन होने वाला है वो हमारा फुल HD होगा। और उसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों जी जो हमें डिस्प्ले है जी हमें बेजललेस डिज़ाइन के साथ देखने को मिलने वाला है। और अब अगर बात करता हूँ पिक्चर क्वालिटी की, तो पिक्चर क्वालिटी के लिए रियलमी ने दोस्तों क्रोमा बूस्ट पिक्चर इंजन जो है उसका इस्तेमाल किया है और साथ ही साथ जो हमारा कलर गैमेट है उसका इन्होंने 85% जो वॉल्यूम है उसको इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो हमें कलर्स हैं डिस्प्ले पे वो हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि रियलमी ने बोला है कि हमें इस डिस्प्ले में जो ब्राइटनेस है वो हमें 400 nits तक की देखने को मिल जाएगी। और रियलमी ये क्लेम करते हैं कि ये जो ब्राइटनेस है ये हमें इस सेगमेंट में सबसे हाई AC टीवी में देखने को मिलेगी। दोस्तों उसके बाद अगर बात करता हूं मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो हमें स्मार्ट टीवी में एंड्रॉयड टीवी 9 का जो सपोर्ट है वो देखने को मिल जाएगा। अब क्योंकि जो हमारा स्मार्ट टीवी है जो हमारा एंड्रॉयड टीवी है तो हमें जो गूगल की सर्विसेज हैं वो सभी की सभी इसमें देखने को मिल जाएंगी। फिर चाहे मैं बात कर लूँ गूगल प्ले स्टोर की या फिर हमें जो गूगल की और कुछ ऐप्स देखने को मिलती हैं उन सभी की जो हमें सपोर्ट है वो उस टीवी में देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों हमें इस टीवी में इनबिल्ट क्रोमकास्ट का जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि अपने स्मार्टफोन से जो कंटेंट है वो डायरेक्टली अपने टीवी पे प्ले कर पाएंगे। और दोस्तों उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमें इसमें गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों प्रोसेसिंग के लिए हमें स्मार्ट टीवी में क्वैड कोर CPU देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर मैं कुछ और फीचर्स की बात करूं तो दोस्तों हमें इसमें 24 watt के क्वैड स्पीकर्स भी देखने को मिल जाएंगे जो हमारे डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करेंगे। दोस्तों उसके अलावा अगर बात करूं कनेक्टिविटी की, तो हमें इस स्मार्ट टीवी में ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ हमें वाईफाई का इनबिल्ट सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों उसके अलावा अगर बात करूँ मैं कुछ पोर्ट्स की, तो हमें स्मार्ट टीवी में HDMI पोर्ट, USB 2.0, ऑडियो वीडियो पोर्ट और लैन पोर्ट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यही थे स्मार्ट टीवी के फीचर जो कि मैं आपको बताना चाहता था। अब अगर मैं बात करूँ प्राइस की, तो अभी तक मुझे इसका जो प्राइस है एक्चुअल में वो नहीं पता है। उसके लिए हमें वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वो चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो का थंबनेल देख रहे होंगे तो उसमें भी आपको जो प्राइस है वो देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों अगर मैं आपको कोई आइडिया दूं कि इसका जो स्मार्ट टीवी का प्राइस है वो क्या होने वाला है, तो इसका जो प्राइस है वो 20-25,000 के अराउंड होने वाला है। और अगर जिस स्मार्ट टीवी हमारा इस प्राइस रेंज में लॉन्च होता है तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा और बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि स्मार्ट टीवी लेके आ रही हैं, और अगर आप चाहते हो कि मैं सभी कंपनीज की स्मार्ट टीवी हैं वो कंपेयर करके आपको बताऊँ, तो उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो भी जरूर बना दूंगा। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ मिक्स ओपिनियन स्मार्ट टीवी को लेकर जो कि मैंने आपको बताई दी हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया उसको प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। उसके अलावा मेरे चैनल टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिलहाल के इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत। जय।